नमस्कार, आप देख रहे हैं राजपट टीवी और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। रुक करेंगे मध्य प्रदेश की खबर की ओर, जहां तुकईधड़ मेन रोड से तुकईधड़ गांव पुरानी बस्ती जाने वाले 1 किलोमीटर रास्ता बदहाल हो गया है। कई जगह बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं, बारिश का पानी गड्ढों में जमा हो रहा है। इस रोड से गांव के स्कूल के बच्चे आना जाना करते हैं, बच्चों को स्कूल जाने में परेशानियां हो रही हैं। कीचड़ से होते हुए बच्चों को स्कूल में जाना पड़ रहा है, वहीं महिलाओं को भी रोड से काफी परेशानियां हो रही हैं। बाइक गड्ढों में जाती हैं, राहगीरों पर कीचड़ उड़ता है जिससे विवाद की स्थिति बनती है और कई बाइक चालक गड्ढों में गिर जाते हैं जिन्हें चोटें भी आती है। ज्यादातर परेशानी इसलिए बच्चों को पैदल चलने में हो रही है क्योंकि ग्रामीणों ने बताया कि 20 साल से ये रोड खराब है, इस पर बहुत सारे गड्ढे हो गए हैं। 6 महीने बाद भी विधायक महोदय से शायद 15 दिन पूरे नहीं हुए, उसके बाद भी ग्रामीण जनप्रतिनिधि नेता और पीडब्ल्यूडी विभाग और जिला प्रशासन राज्य शासन से रोड बनवाने की मांग कर रहे हैं। दिन से रोड ही नहीं बन रहा, सब गड्ढे गड्ढे पड़े हैं। स्कूल वाले बच्चे आते जाते, सब स्कूल के बच्चे के कपड़े खराब हो जा रहे जाते जाते, इतना रास्ता खराब हो चुका है। पीडब्ल्यू वाले को बोलो तो बोलते हैं कि वो हाव हाव बोलते, करते नहीं। पंचायत वालों को बोलो तो बोलते पीडब्ल्यू वाले का काम है। ऐसे तमाम बड़ी खबरों से जुड़ने के लिए देखते रहिए राजपट टीवी, सबसे पहले भारत।